ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में, कार्तिक और कृति आ चुके हैं बॉलीवुड हंगामा। आई फील आवर फिल्म इज बेटर देन द ट्रेलर। ये वो थेपला है जो सब खाना चाहते हैं। ये लाइन मैं यूज़ करने वाली हूँ। आपके लिए कोई रिश्ता आएगा तो फिर यही मेरा लड़की की एक ख्वाहिश यही होगा। हाँ। आपके नाम का जिक्र आया, जिस तरीके से वो शर्माई हैं जी, ये आपने क्या जादू किया हुआ है? तो अच्छी चॉइस है उनकी। हाय दिस इज कृति सानन। हाय दिस इज कार्तिक आर्यन। एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। यू आर वॉचिंग बॉलीवुड हंगामा। कीप ऑन वॉचिंग। ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में, कार्तिक और कृति आ चुके हैं बॉलीवुड हंगामा। बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का। थैंक यू सो मच। एंड वेरी इंटरेस्टिंग प्रोमो ऑफ लुका छिपी। आई थिंक यू गाइस हैव बीन गेटिंग अ फैबुलस रिस्पांस। 40 मिलियन व्यूज सो फार। सो व्हाट आर योर फर्स्ट थॉट्स? या हैज इट बिकम 50 नाउ? Might I have, but so, yeah. it's breaking a lot of records here. I'm assuming because of the views. What Dino was actually saying कि इसके views इतने ज़्यादा किसी ने हमने expect नहीं किए थे. Response अच्छा expect किया था because of course content अच्छा है, trailer decently अच्छा बनाया गया था. तो वो एक but the kind of response, इतने सारे views, इतनी सारी जो अभी तक trending में चल रहा है trailer की बात हो रही है. It's like a good start for us. I think I also feel क्योंकि ट्रेलर जो है वो आपकी फिल्म की एक झलक होती है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अ फिल्म इज लाइक। एंड आई फील आवर फिल्म इज बेटर देन द ट्रेलर पर्सनली। सो व्हेन द ट्रेलर गॉट कनेक्टेड विद द ऑडियंस, आई फेल्ट कि अच्छा चलो कंटेंट तो उनको अच्छा लग रहा है। Correct. ये वर्ल्ड, ये दुनिया, ये स्पेस जो है ये शायद ऑडियंस को पसंद आ रही है। सो दैट गिव्स अ लिटिल बिट ऑफ अ पॉजिटिव फीलिंग कि you know you can hope that they will connect with the film. ye wo thepla hai jo sab khana chahte hain. ye line main use karne wali hu. nahi to writer to ye natural hai ekdam bilkul. matlab ye hai ki monologue itne safe kar rakhi thi line jo monologue thepla hai. monologue jo word hai ye to inko patent kara lena chahiye sir. just imagine ki aadmi ki kya life hai sote mein se utha ke sir wo monologue wo monologue sir ghar pe abhi to aisa lagta hai kartik bolna shuru karta hai to monologue bolne wala hai. रूम में जैसे होता है ना, लिविंग रूम में घर वाले आते हैं, आंटी आती हैं, अंकल आते हैं, बच्चे बेटा नाच के दिखाओ, बेटा खा के दिखाओ, कुछ करके दिखाओ, बेटा मोनोलॉग सुना दो, वो होता है मेरे साथ घरों में। मतलब इट्स इनसेन। आई फील लाइक अगर आपके लिए कोई रिश्ता आएगा तो फिर यही मेरा लड़की की एक ख्वाहिश यही होगा। हाँ, मोनोलॉग बोल के दिखाना। राइट, लेकिन आई थिंक रिश्तों की मेरे ख्याल से कमी नहीं होगी जिस तरीके की खबरें सुनने में आ रही हैं। आपको क्या लगता है, मतलब पोस्टर लगे हुए हैं हर तरफ, लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि दैट कि सारा अली खान है, कि अनन्या पांडे हैं, मतलब देयर टू मेनी नेम्स व्हिच कीप ऑन क्रॉपिंग अप। क्या लगता है, आपसे पूछ रहे हैं? मैं तो बोलूंगी नहीं, मुझे बाद में झाड़ पड़ेगी। वी आर ऑल फ्रेंड्स, वी आर ऑल फ्रेंड्स, नथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड। नो, आई थिंक एक मिस्ट्री होनी चाहिए, इट्स नाइस। अच्छा, लेकिन फिर भी मतलब आपको, आप कैसे रिएक्ट करते हो कि आप देखते हो कॉफी विद करण जैसे इस शो में जी, सारा अली खान कहती हैं दैट आई वांट टू डेट कार्तिक आर्यन। हम लोगों ने इंटरव्यू किया तो जब आपका, आपके नाम का जिक्र आया, जिस तरीके से वो शर्माई हैं, एक एक अलग बात है, बाकी नाम एक तरह का शॉट मिल गया आप। नहीं, सीरियसली, आप उनके साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, आई एम श्योर दैट यू मस्ट बी एक्सपीरियंसिंग दैट। बाकी सब एक्टर्स के नाम एक तरफ, कार्तिक आर्यन एक तरफ जी, आपने क्या जादू किया हुआ है? अच्छी चॉइस है उनकी। चॉइस उनकी अच्छी है, काफ़ी अच्छा टेस्ट है उनका। राइट, अप्रिशिएट कर रहा हूँ मैं, और एंड मैं चाहता हूँ कि ये बरकरार है। क्या बरकरार है? मतलब वो उनकी लाइफ चॉइसेस के बरकरार है, और बट शी इज हैविंग सेड दैट, आई हैव सीन हर फिल्म्स एंड शी इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि कल को हम लोग साथ में काम करें। एंड ऑफ कोर्स ये जो कॉफ़ी विद करण में उन्होंने बोला है, या फिर जहाँ पे भी दूसरी जगहों पे बोला है, आपके इंटरव्यू में ब्लश किया है, तो या इट्स समथिंग व्हिच इज फ्लैटरिंग। एंड लेकिन अभी वो ही लव्स इट बेसिकली। आई लव द अटेंशन। इसमें कोई डाउट शॉर्ट में कोई डाउट नहीं है इसमें, मतलब रोज का है, लव्स द अटेंशन। वो आप वीडियोस देखते रहते हैं कि वहां महबूब स्टूडियो में अपनी वैनिटी वैन से निकली लड़कियां। No, one second. Not only लड़कियां। Okay, so हम ग्वालियर में थे। अरे जी।
हम जब ग्वालियर में पहुंचे हैं तो हमारे होटल के बाहर इसकी एक फोटो और ऐसे पोस्टर्स छपे हुए थे, पोस्टर्स लगे हुए थे तभी, वेलकम सन ऑफ ग्वालियर. और एक हम फोर्ट पे शूट कर रहे थे जहाँ पे बहुत भीड़ थी और हम रोमांटिक गाने के कुछ मोंटाजेस शूट कर रहे थे, तो वहाँ सडनली कार्तिक भैया की जय. I felt like a politician. I felt कि मैं इन्होंने हाथ भी ला दिया वहाँ पर. वेव वेव भी किया थोड़ा सा. Right. रोर हुआ पूरा ऑडियंस से, तो एक एक फील आई वहाँ पे शूट करते टाइम. बट देन वहाँ पे ये जो पोस्टर लगे थे या होर्डिंग्स लगे थे उसमें उन्होंने जो फोटो चूज की थी ना वो बहुत ही वो मैं काश चेंज करवा पाता. क्योंकि वो चश्मा पहन के एकदम ऐसे में कभी खड़ा हूँ, पता नहीं कौन सा वो पोस्ट था मेरा जो मैंने कब लिया था. वो मोहब्बत करने वालों की हर अदा, बट उनकी अदा है मोहब्बत करने वालों की हर अदा. वी वेलकम ऑन सन ऑफ ग्वालियर, उसमें मैं माला वाला भी चढ़ी वैसा कुछ फोटो था. तो एकदम ऐसा लग रहा था कि मैं पॉलिटिशियन एक घर लौट के आया एंड ही इज हैविंग हिज काफी है. पोस्टर लग गए, काफी पोस्टर लग गए. हाय दिस इज कृति सानन. हाय दिस इज कार्तिक आर्यन. एंड इफ यू लाइक द वीडियो do subscribe and hit the bell icon. You're watching Bollywood Hangama. Keep on watching.